देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। गोविंदा का ये सुपर हिट गाना आगरा की पुलिस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। जी हाँ, विश्वास नहीं होता तो जरा इन तस्वीरों को देखिए और गौर से पढ़िए। इन तस्वीरों में एक पेंटर ने पुलिस उत्पीड़न की पोल खोलकर रख दी है। योगी जी की पुलिस का गरीबों के साथ कैसा व्यवहार है आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल थाना इत्मदौला पुलिस पर एक पेंटर द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि थाने की पुताई के लिए पुलिस द्वारा फ्री में कार्य न करने पर पेंटर को गाली गलौज की गई और धमकी दी गई जेल भेजने की। पेंटर ने इस मामले की शिकायत एसएसपी आगरा बबलू कुमार से की है। वहीं पेंटर ने भी अपना दुख दुकान बंद करके उसके बाहर पेंट से लिख दिया कि पुलिस उत्पीड़न के कारण दुकान बंद है। पुलिस की ऐसी हरकत पूरे कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है। अब सवाल यह है कि ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई कब होगी ताकि गरीबों का उत्पीड़न रुक सके। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 28 तारीख को शाम को केडी बाबू सिपाही फाउंडेनगर चौकी के आए, बोले तेरे को एतमादौला थाने की रंगाई पुताई करनी है। मैंने कहा सर मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आप थाने से के सामने पेंटर है वहाँ से पकड़ लो, रामबाग पे भी है आपके, फाउंडेनगर चौकी के बगल में भी है, वहाँ से आप पेंटर पकड़ लो। कोई नहीं नहीं पुलिस का काम करेगा तो मना कर दिया, बोले सुबह देखूँगा। ठीक है सर, कह के चले गए उल्टा सीधा कह के। अब सवेरे हम दुकान खोल के बैठे तो सवेरे में आए, चल भाई पेंटर चल साहब बुला रहे हैं। हमने कहा इस वक्त खड़ा हूँ थाना एतमादौला क्षेत्र के फाउंडी नगर में। आपको बता दें कि यहाँ एक दुकान पेंटर की है, उस खोखे पे लिखा है कि पुलिस के उत्पीड़न के वजह से ये दुकान बंद है। पुलिस की रवैया बहुत ही ख़राब है। देखिए रवैया की वजह से हाथरस कांड में जो एक बेटी के साथ जो हुआ है उस पर भी पुलिस के कई सवाल उठ रहे हैं और यहाँ पर भी पुलिस की दादागिरी देखने को मिल रही है। आगरा से हिंदी 24 विकास गुप्ता।